किचन। ये देखिए आज मैंने 1 किलो टमाटर लिए, इसको बॉईल कर लिया, 1 प्याज डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया, बॉईल करके इसके छिलके निकाल दिए, छिलके फेंक दिया, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए आप लोग, कोफ्तों में मैंने चिकन कोफ्तों के अंदर वही मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है, दो बड़ी डाली है ना प्याज की डाली है, और 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं, आधी चम्मच अदरक लहसुन डाला है, और धनिया डाला है आधी चम्मच, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ये देख लीजिए आप। और ये सारी चीज़ें मैंने बता रही हूँ अब आपको, ठीक, बना रही हूँ। 6 आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच बड़ा अदरक लहसुन, ये मसाला है, ठीक है। हमने बनाना है, ये टमाटर के कट में डालना है, ये देख लीजिए आप, ये मैं आपको 2-4 बना के दिखा दूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। बहुत मज़े के बनते हैं चिकन कोफ्ते हैं ये, ठीक है। और मैंने अदरक लहसुन डाल दिया इसमें, बड़ा चम्मच 1 चम्मच, लेकिन छोटे चम्मच हों तो 2 डालते हैं, ये देखिए अच्छे तरीके से हमने उसे भूनना है। ये भी डालने हैं कप के, ये कड़ी पत्ते भी रखे हैं मैंने, चाहिए ये ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर, मिर्चे भी डाल रही हूँ मैं, ये भी देख लें आप, इमली का पानी डाला है मैंने अच्छी तरीके से भून के, इमली का पानी डाला है, अभी मैंने ग्राइंड किया है टमाटर, ये डाल रही हूँ, देखें आप, ये देखें आप, इसमें पानी, कच्चा पानी नहीं डलता, ये टमाटर का ही पानी डलेगा, ठीक है। इतना अच्छा कलर आ गया इसका, अब मैं इसमें, ये पकता रहेगा, मैं इसमें ये कोफ्ते डाल दूँगी, चिकन कोफ्ते इसमें डाल दूँगी, ये देखिए आप, ये देखिए ज़बरदस्त है, ये देखिए आप कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, आधी कप मैंने तेल भी डाल दिया है इसमें, अब ये पकेगा, ठीक है। जब हो जाएगा इसके दम पे मैं इसके ऊपर वो लगाऊंगी, ये ज़बरदस्त इसका वो आ रहा है, इसको चावलों से खाएं बहुत टेस्टी लगता है ये, और पराठों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये, देखिएगा आप लोग, ये जितना पकेगा उतना मज़े का होगा, देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त इसका लुक आया है, ये देखें आप लोग, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है, आप पकाइएगा ज़रूर खाइएगा इसको, और इस पे ऊपर हम अंडे भी लगाएंगे, ये टमाटर का भी आप कोफ्ते नहीं भी डालें तो अंडे उबाल के भी इसमें डाल सकती हैं, तो भी बहुत टेस्टी होगा, ये कोफ्तों का ज़्यादा टेस्टी होता है और अंडों का अपनी जगह होता है, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी होता है, मैं इसमें अंडे भी दिखाऊंगी, आप देखिएगा टमाटर कोफ्तों का कट, इसको वो कहते हैं, इसको कट कहते हैं, तैयार हो गया, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, ये आप देखिएगा, ठीक है। और ये दो अदर डेली रेट में लगाऊंगी, ये देखिएगा आप लोग, टमाटर 1 किलो टमाटर को बॉईल करा है, 2 प्याज डालकर उनके छिलके निकाल लिए, फिर इनका जो है इनका पेस्ट ग्राइंड कर लिया है, बना लिया है, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन मसाले वगैरह ये सारे ले लिए हैं, और कोफ्ते जो है जिस तरीके से प्याज वगैरह अदरक लहसुन गर्म मसाला डाल के मैंने ये बना लिया है, ये देखें कितना ज़बरदस्त टमाटर का कट तैयार हो गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मीनी मीनी, और ये बनाइएगा आप लोग, खाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और अपने कमेंट्स भेजें मेरे लिए, जितने आप करेंगे मुझे उतना काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है? जितना आप लोग बताएंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।